नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट के अंतर्गत आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इसमें कवर करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत जो है पहली जो न्यूज है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से निर्भया एक सफल या पहल कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया है, यह एक मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत जो है शुरू किया गया है। यानी कि मिशन शक्ति चरण दो के अंतर्गत निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि निर्भया एक पहल क्या है, यह मिशन शक्ति चरण टू के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। और मिशन शक्ति जो प्रोग्राम है वो महिलाओं के जो सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य इत्यादि को ध्यान में रखकर के जो प्रारंभ किया गया है, ताकि उन्हें यहाँ की सामाजिक संरचना में सशक्त किया जा सके, उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तथा राष्ट्र के जो है निर्माण में उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान को लिया जा सके। तो मिशन शक्ति टू के अंतर्गत निर्भया एक पहल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो असम से है, जहां पे जुडिमा अभी हाल में ही जो है जुडिमा चर्चा में रहा है। और ये जुडिमा जो है वहां की डिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली चावल की एक वाइन यानी कि शराब है। जुडिमा जो है एक शराब है जो चावल के द्वारा बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दो तीन फैक्ट सामने आते हैं। एक तो ये जो जुडिमा शराब वाइन है, ये असम में डिमासा जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया गया एक शराब है। और ये शराब किससे बनाई जा रही है, चावल से। तो इस कारण से ये जो है चर्चा में रहा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसे अभी हाल में ही जो है GI टैग प्रदान किया गया है। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने GI टैग के बारे में चर्चा किया हुआ है पूर्व के लेक्चर में। यानी कि जिसे किसी भौगोलिक क्षेत्र में उसकी कुछ विशेषताओं के कारण से जो है जाना जाता है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर या उस भौगोलिक क्षेत्र में किए जाने वाले उस विशेष प्रकार के कार्य या विशेष प्रकार के उत्पाद को वहां के भौगोलिक आधार पर एक संकेतक प्रदान कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जो है भौगोलिक संकेतांक, उसको प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जुडिमा शराब को भी जो है प्रदान किया गया है। ये असम में डिमासा जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है और ये चावल से बनाया जाने वाला एक वाइन है। तो इसलिए जो है ये चर्चा में रहा। हरियाणा विभिन्न देश के जो है विभिन्न राज्यों में जो है समय समय पर जो शराब को लेकर के, पॉलीथीन को लेकर के, पान गुटखा मसाला को लेकर के प्रतिबंध लगते रहे हैं। इसी क्रम में जो है, चूंकि ये स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहल होता है, तो वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये हरियाणा में जो है पान और गुटखा मसाला पर आगामी एक साल के लिए प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया है। इसलिए ये भी फिलहाल में जो है चर्चा में रहा है। यानी कि ये जो है हरियाणा में किया गया है, ये हरियाणा में जो है किया गया है, इसलिए ये जो है चर्चा में जो है इस आधार पर जो है ये बना हुआ है। अगली महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि खाद्य तेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, खाद्य तेलों के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने के लिए दिनेश साहरा को ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल में जो सम्मानित किया गया है। तो इसलिए ये भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। लाइफ टाइम दिनेश साहरा को ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें खाद्य तेलों के क्षेत्र में जो है अनुकरणीय योगदान के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये जो है अभी हाल फिलहाल में जो है चर्चा में जो है रहे हैं। और दिल्ली वेस्ट जो है पर्यावरण संगठन के द्वारा इनके दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के कारण से अभी हाल में ही जो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2021
राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया जा रहा है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को, तो ये भी जो है पुरस्कार महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। यहाँ से ये भी हो सकता है कि एग्जाम में मिलान के लिए इस पुरस्कार के साथ में कई और पुरस्कारों को भी पूछा जाए, तो हाल फिलहाल की ये घटना जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है। ट्यूनिशिया में हम चलते हैं, एक महत्वपूर्ण देश जहां पर पहली बार जो है नजला बोडेन को ट्यूनिशिया में जो है पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली जो है महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री। जब भी कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके की कोई जो है नियुक्ति होती है, चयन होता है, तो वहां से भी सवाल बनते हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या जो है सेनापति या पायलट, ऐसे सवाल बनते हैं, तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि नजला बोडेन जो है वो ट्यूनिशिया में जो है पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना आवश्यक है। अभी हाल में ही जो हासोंग एट क्या है? हासोंग एट अभी हाल में ही उत्तरी कोरिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल है, और यह हाइपरसोनिक मिसाइल होने के कारण से जो चर्चा में है, उत्तरी कोरिया एक विशिष्ट प्रकार का देश है जो अपने अलग तरीके के कामों के लिए जो जाना जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्य देशों के द्वारा बनाए गए पैटर्न को मानने से इनकार करता है, चाहे वो किसी विशेष प्रकार के जो है कानून को लेकर के हो, सामाजिक कानून हो, राजनीतिक कानून हो, धर्म का मामला हो, या सेना का मामला हो, परमाणु हथियार का मामला हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के वह एक अलग रवैया अपनाता है, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। तो इन्हीं पृष्ठभूमि में हासोंग एट जो है उत्तरी कोरिया के द्वारा प्रक्षेपित हाल फिलहाल में जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि ध्वनि से काफ़ी तेजी से जो है चलता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के लिए भी जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। उत्तरी कोरिया, अगला लुइस हैमिल्टन हाल में जो चर्चा में रहा नाम है, लुइस हैमिल्टन अभी हाल में चर्चा में रहे हैं। इनके द्वारा जो है फार्मूला वन रेसिंग प्रतियोगिता में 100 रेस लगाने का जो है कीर्तिमान अपने नाम जो है किया गया है, और ये है लुइस हैमिल्टन जिनके द्वारा फार्मूला वन रेसिंग, जिसे कार रेसिंग कहा जाता है या ऑटोमोबाइल रेसिंग कहा जाता है, इस फील्ड में जो है 100 रेसिंग करने वाले सबसे पहले जो है ये कार रेसर बन गए हैं। और ध्यातव्य है कि भारत की तरफ से जो है पहला फार्मूला वन रेसिंग का जो कीर्तिमान है वो नारायण कार्तिकेयन के नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत के पहले फार्मूला वन रेसर वो नारायण कार्तिकेयन है, लेकिन लुइस हैमिल्टन का नाम फार्मूला वन रेसिंग की दुनिया में जो है 100 रेसिंग लगाने का पहला कीर्तिमान इनके नाम जो है स्थापित होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल में ही हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है, और अगर इंडिया में जो है किसी भी व्यक्ति के सबसे टॉप पर रिच के क्षेत्र में जो है पूछा जाए सवाल, तो निश्चित तौर पर मुकेश अंबानी ही होंगे, और वही फिलहाल के तौर पर हैं जो कि पूरी दुनिया में जो है 12वें स्थान पर जो है रिच लिस्ट में हैं। तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जो जारी की गई है उसमें मुकेश अंबानी जो भारत की तरफ से सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो ये रही आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण घटना जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आपको भी एक ऐसे अप्रोच डेवलप करने हैं जिससे परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से आप परिचित होते रहें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी न्यूज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।